हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LIC AO नोटिफिकेशन के बारे में। जो वैकेंसी अभी भी आउट हुई है 2 मार्च 2019 में, अभी आज जो है डेट उसमें रिलीज़ हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर और जो वैकेंसी हैं वो 590 हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये नोटिफिकेशन मैंने PDF ओपन किया हुआ है, ठीक है, 590 हैं। और इसमें अब देखते हैं कि कैसे डिवाइड है ये 590 वैकेंसीज। देखो, जर्नलिस्ट की जो वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 350, और उसमें जो जर्नल की है, ठीक है, जर्नल की है 140, ये है 140 वैकेंसीज हैं। और EWS, ये नया सेक्शन जुड़ा है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। और ये इसमें 10% जो होता है ना रिजर्वेशन दिया जा रहा है इन लोगों को अलग से। और ये अभी फर्स्ट टाइम जुड़ा है, क्योंकि LIC जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, इसलिए ये फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है। तो देखते हैं अब इसमें क्या कट ऑफ रहेगी और कैसे लोग भरेंगे, क्योंकि जनरल वाले जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है वो इसको कैसे देखेंगे, या तो इधर से भरेंगे या इधर से भरेंगे। काफ़ी अभी ये होने वाला है, ये भी इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद वो OBC की जो वैकेंसी है वो 85 है, SC की 55 है, ST की 35 है, ठीक है। ये IT और ये सब है, डिफरेंट डिफरेंट जो सबसे ज़्यादा जो भरते हैं वो जर्नलिस्ट में ही भरेंगे। तो देखो कितने भर सकते हैं, लास्ट ईयर तो देखो कितने भरते हैं, 3 लाख, 2.5 लाख, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं भरते हैं ये LIC की। और ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स जो स्टार्ट हो रहा है पेमेंट और रजिस्ट्रेशन का, वो हो रहा है 2 मार्च 2019, और जो ख़त्म हो रहा है ये इसकी डेट कि आज के बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वो है 22 मार्च 2019, ठीक है। मतलब आपके पास 20 दिन का टाइम है कि इसके बीच में आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होगा 4 और 5 मई को होगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये तो कभी आप भूलनी नहीं चाहिए। मतलब आपके पास 2 महीने का पूरा पूरा टाइम है, ठीक है, इसमें आपको मेहनत करनी है। उसके बाद जब प्री क्लियर कर लोगे, उसके बाद जो मेन का एग्ज़ाम होगा वो 28 जून 2019 को होगा। मतलब आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम बीच में बचेगा प्री क्लियर करने के बाद। अब नीचे चलते हैं, देखिए EWS जो है वो यहाँ पे नहीं है, ये एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वैसे तो 21 से 30 के बीच में सबको मिलेगा, मतलब इसकी इतनी होनी चाहिए आपकी, 21 से 30 के ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बट यहाँ पे EWS को कोई भी एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये बाकी सब तो वही है, आपको लोगों को पता होगा कि ST की 5 ईयर होती है, OBC की 3, और जनरल वर्ग की जो होते हैं PW उनकी अलग होती है। बट EWS का यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। AO जर्नलिस्ट की जो है उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। AO IT का जो है वो उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड MCA MSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सब है, ये सब कम लोग भरते हैं इसमें, काफ़ी कम लोग होंगे, मतलब ज़्यादातर जो भरते हैं वो जर्नलिस्ट में ही भरेंगे, मतलब ये समझ लो 75% तो ये इसी में फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब ये कुछ सैलरी वैलरी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसके बारे में आप मत ही देखिए, क्योंकि जो अगर आप बेरोजगार हो और अनएम्प्लॉयड हो तो आपको ये सब नहीं देखना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज देखनी चाहिए, उस पर आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जब आप जॉब क्लियर करोगे, वैसे देख लीजिए। तो अगर आपको देखना है तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली आपकी जो सैलरी होगी 56,000 होगी। इट विल मोटिवेट यू, अगर आप पैसों देख के मोटिवेट होते हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद नीचे चलते हैं, प्रोबेशन टाइम आपको पास कितना होना चाहिए। 1 ईयर का प्रोबेशन टाइम रहेगा आपके लिए, पीरियड में भी एक्सटेंडेड अप टू टू ईयर, ठीक है। मतलब एक टाइम 1 ईयर का तो रहेगा रहेगा, अगर आपका जो मैनेजर हैं वो चाहें तो इसको 2 ईयर भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं या फिर कोई अपनी कोई गलती कर दी है तो इस प्रोबेशन टाइम को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। गारंटी बॉन्ड होता है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे जॉब छोड़ के नहीं जानी है या फिर आप यहाँ पे ही काम करोगे, तो वो है 2 लाख रुपीस का, ठीक है। 2 लाख रुपीस के आपको देना पड़ेगा अगर आप एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, भाग जाते हैं जॉब छोड़ के, भाई कहीं दूसरी जॉब पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये जॉब की इन्होंने आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया, उसका जो भरपाई जो आपको करनी पड़ेगी वो है 2 लाख रुपीज़ ओनली।
उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो इंटीमेशन चार्ज होता है, ठीक है, वो आपका SC ST का जो होगा वो 100 रुपीज़ होगा, और अदर ऑल अदर कैंडिडेट्स का 600 रुपीज़ होगा, ठीक है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज। ट्रांजेक्शन चार्ज जो होता है, जो आप बैंक से जब ट्रांजेक्ट करोगे तो वो अकाउंट नहीं होगा, वैसे आप 600 रुपये ही मानो, यही होता है आपका, 1-2 रुपये होता है वो ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है। उसके बाद होता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर, और जो मतलब कैसा पैटर्न होगा वो देख लेते हैं। ये प्री का जो प्रीलिम का एग्ज़ाम होगा वो सबके लिए सेम होगा, सारे मतलब जितनी पोस्ट हैं IT की, जर्नलिस्ट की, CA, चार्टेड अकाउंटेंट, राज्यसभा, इन सब के लिए जो है ये प्रीलिम सेम होगा। 35 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग में, क्वांट में होंगे 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, सेम वैसे ही रहेगा। ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये भी हो गया है, इसमें जोड़ दिया गया है। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है कि आपने पेपर तो क्लियर कर लिया, बट आपके रीजनिंग में 16 से ऊपर आने चाहिए SC ST के लिए, और जो अदर कैटेगरी है उनके 18 से ऊपर आने चाहिए। कितने में से? 35, ठीक है, 35 मार्क्स का पेपर है रीजनिंग सेक्शन का, सिर्फ रीजनिंग सेक्शन आपके 18 से ऊपर तो आने ही चाहिए, ठीक है। ये क्यों डाला गया है, देखिए क्या हुआ था कि SBI का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन में 0 मार्क्स लेके भी वो जॉब ले रहे थे, ठीक है, क्लियर किया उनने, और बहुत बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिया मगर वो फेल हो गए, मगर बहुत लोग 0 मार्क्स से भी पहुंच गए थे, तो वो क्वालिफाइड नहीं है, मतलब वो पढ़े, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है, मतलब यार उनको डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आती है और वो जॉब लेके बैठे, इसलिए ये सब डाला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये डाला जाता है। IBPS भी अगर इसको सीख ले तो ये बहुत बढ़िया होगा कि पहले ही बता दे इससे तो ऊपर ही तुम लेके आओ, ठीक है। क्वांट में भी वही है, 16 और 18, और जो इंग्लिश में 9 और 10, सिंपल, ठीक है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं, और ये मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 70 हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, नीचे जो है मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम में का पैटर्न देख लेते हैं। दो इसमें रीजनिंग है, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे, बट वो कितने मार्क्स के होंगे? 90 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन ऐसे 3 मार्क्स का होगा, और जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होगा वो 40 होगा, और फॉर SC ST और अदर्स के लिए 45 होगा, और आपके पास यहाँ पे 40 मिनट्स हैं, ठीक है, ऊपर तो सबके लिए 20-20 मिनट्स हैं, बट यहाँ पे आपके पास 40 मिनट्स हैं। जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर होगी, ठीक है, जनरल नॉलेज यहाँ पे लिखा है और करंट अफेयर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है दोनों। ये 30 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, जो जो वेटेज है, तो मतलब आप 2 मार्क्स का मान लो एक क्वेश्चन, वही यहाँ पे मिनिमम ये क्वालिफाइंग, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, मतलब जो बड़े सेक्शन हैं वो आपके रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं, तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर जिसकी भी ये जनरल, देखो रीजनिंग सबकी अच्छी होती ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेटा इंटरप्रिटेशन भी अगर आपके अच्छी हो गई तो आप बाकी सेक्शन को इजीली अपना मतलब मार्क्स ज़्यादा ग्रैब कर पाओगे इस सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस, ये अलग से दिया गया है। पहले क्या होता था, जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन बना दिया जाता था, और इसमें इंश्योरेंस और ये मार्केटिंग वाला उसी में ही डाल दिया जाता था, 10 या 15 क्वेश्चन डाल दिए जाते थे, बाकी करंट अफेयर में के क्वेश्चन डाल दिए जाते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार अलग से एक सेक्शन बनाया है, मतलब आपके टोटल हो गए 4 सेक्शन, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इंग्लिश वाला अभी तक नहीं आया, इंग्लिश के बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 30, और मार्क्स कितने? 60 मार्क्स का होगा, सेम 27 और 30, ठीक है, 20 मिनट मिलेंगे सिर्फ आपके पास, 20 मिनट्स मिलेंगे, और यहाँ पे जनरल जनरल नॉलेज में भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, बाकी रीजनिंग और मैथ में 40-40 मिनट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपना इंग्लिश सेक्शन, अब इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे आया है, उसमें आपको देखो उसमें टिक करने वाला कुछ नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, MCQ नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको लेटर राइटिंग, ठीक है, ऐसे राइटिंग मिलेगी, दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो लेटर का होगा एक ऐसे का होगा, वो 25 मार्क्स का होगा, और उसमें पासिंग मार्क्स जो होंगे SC ST के लिए 90, और जो अदर के लिए इतने होंगे। अब ये आप ये मत सोच लेना कि ये 9 और 10 है तो ये कट ऑफ है,
दिस इज नॉट अ कट ऑफ, कट ऑफ अलग होगी बट ये मिनिमम मार्क्स है, इससे ऊपर तो आपको लाने हैं। कट ऑफ अब 12 हो जाए, 13 हो जाए, 15 हो जाए, वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। इंग्लिश एक्सेंट टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड विल नॉट बी कंटेड इन द फॉर द रैंकिंग, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं होगी, सिर्फ आपको पास करना है, मिनिमम ये 9 और 10 लाने हैं। बट इनमें जो है वो मैं आपकी इसमें बात कर रहा हूँ 40 और 45, जैसे जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये 40 45 की इसकी कट ऑफ नहीं है, ये तो कट ऑफ है, ठीक है। इसमें मिनिमम इतने तो लाओगे आप पास हो जाओगे, मगर इसमें 40 45 ये कोई कट ऑफ नहीं है, आपको इससे ऊपर लेके आना है और उसके बाद कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे, आप समझ रहे होगे शायद से, ठीक है। ये आईटी का है, आईटी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक्चुअली एक्चुअरियल एक्चुअरियल कुछ होगा, पता नहीं कौन सी वैकेंसी से पोस्ट है ये किसी चीज़ के लिए। उसके बाद राज्यसभा का अलग होता है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है, ये सब जैसे कम भरते हैं, ये वाले दोनों कम भरेंगे, जो भरेंगे जर्नलिस्ट वाले ही आपको मिलेंगे ज़्यादातर, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे जो साथ में आपके एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, देखेंगे क्या है, कुछ है इम्पोर्टेंट, वही सब है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो वही थी। ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको सेंटर वेंटर कहाँ पे है, ठीक है, सेंटर है ये, सेंटर कहाँ पे डालना है, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग भरते हैं, ओके, दिस इज़ अ बरेली, दिस इज़ अ गाजियाबाद, मुरादाबाद, ठीक है, बांडा, ठीक है, लखनऊ, ज़्यादातर लोग लखनऊ से भरते हैं या फिर नोएडा वेडा से भरते हैं, नोएडा जो दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश वाले होते हैं, मैं यूपी से हूँ ना इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था पूरा, ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखो ये न्यू ईयर जो आता है उसका ये शुरुआत हो चुकी है आपकी नोटिफिकेशन आने की, ठीक है। आप तैयारी पे लग जाइए और इस पेपर को क्लियर कीजिए और एक LIC AO बन जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम एंड बाय।